दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। बाल थोड़े से बिखर गए मैं, हाँ बाल थोड़े से बिखर गए, लेकिन अभी हमने कवर किया था पिछले वीडियो में बिग चौक पॉइंट। अब यहाँ से आगे की तरफ चल रहे हैं। अगेन मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट आने वाला है, आपको ऑब्वियसली टाइटल में पता होगा। आगे चलते देखते हैं कि ये जो एडवेंचर की गाड़ी शिवाजी रोड से बेलवेडर पॉइंट से वन ट्री हिल पॉइंट, उसके बाद ये बिग चौक पॉइंट, क्या ये एडवेंचर इतना ही था या आगे और भी है, और अगर और भी है तो कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर इट। मैं अपनी टोपी उठा लूं, यहाँ से व्यू देख लो दोस्तों, खूबसूरत है यार। जितनी भी थकान है, जितना भी पसीना टपक रहा है, लेकिन वर्थ है, अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन दोस्तों ये रास्ता थोड़ा सा सुनसान है, और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पे वैसे ही ज़्यादा लोग नहीं आते, तो यहाँ पे अगर आप अपने दोस्तों के साथ आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे जैसा सोलो ट्रिप एडवाइजेबल नहीं है, बाकी फिर मैंने तो की है सोलो ट्रिप, अगर आपको करना ही है तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, रास्ता दिखाता हूँ। फॉग फॉग, फिर से फॉग आ रहा है। ये वेदर ना ऊपर नीचे होता जा रहा है, कहीं फॉग आ जा रहा है तो कहीं एकदम से ब्राइट हो जा रहा है। अभी देखो, अभी अगर आपको दिख रहा होगा तो फिर से डार्क हो गया है थोड़ा, और अभी 3 बज रहे हैं। मुझे किसी भी तरह से 5 बजे के पहले, वहाँ से आवाज़ें क्यों आ रही है भाई, इतने सुनसान रास्तों पर अगर कोई नहीं हो और आवाज़ आए तो यार थोड़ा तो अच्छा। वहाँ पे छोटा सा रेसिडेंशियल एरिया है, फिर से ये लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं यार। ऑब्वियसली जब मैंने उनको पूछा तो वो बोलते अब आदत हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फाइनली मेरे को 2 कपल मिले, और उन्होंने बोला कि आगे कुछ भी नहीं है, पर आगे एक टपरी है, उन्होंने बोला आगे एक छोटी सी कैंटीन है, तो उस कैंटीन के पास जाते हैं और फिर उसको पूछते हैं कि भाई क्या करना है। आगे यहाँ से सीधा सीधा जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग ने बोला तो सही कि यहाँ पे आगे तुम सीधा चलते जाओगे तो मार्केट है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मार्केट दूर है। तो मार्केट तो यहाँ जो पीछे जो रास्ता गया वो भी वहाँ से भी मार्केट अभी 2.5 किलोमीटर पीछे है। कौन सा दूर ज़्यादा दूर है। जल्दी फैसला करना पड़ेगा। अब तो इतना चल लिया उन्होंने, अब तो मेरी किडनी दुख रही है। चलिए छोड़िए, आप रास्ता ही देखिए। यहाँ से अगर मेरे को वापस जाने को बोला ना किसी ने तो अच्छा नहीं होगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन फाइनली मुझे दिखी पूरी, और अगर आपको वहाँ पे चाय कॉफ़ी कुछ पीना है तो वहाँ पे नींबू पानी 20 रुपये का है, पानी 1 लीटर का ही बॉटल है जो 30 रुपये का है, आधे लीटर का बॉटल का पानी नहीं है, बॉटल का पानी नहीं, पानी का बॉटल। देखो मैं कितना थक गया हूँ। हाँ बस, और कुछ मैंने पूछा नहीं। यहाँ से अभी मेरे को बोला गया है कि यहाँ से रामबाग पॉइंट है और वहीं से मार्केट आएगा, 45 मिनट से 1 आवर, तो आई थिंक ठीक है, हम सही जा रहे हैं। अब थोड़ा सा सुकून मिला। इनफैक्ट एक बार रामबाग पॉइंट में देख लूँ ना, क्योंकि उसके बाद तो मैं वहाँ पे तो पहले गया हूँ, वहाँ से मेरे को मालूम है कि वहाँ से तो फिर मार्केट आ ही जाएगा। हल्का सा फॉग फिर से आया। ये जो फॉग आ रहा है, फॉग जा रहा है ना, ये एट टाइम्स बहुत स्कैरी लगता है, इसीलिए ये मैं अभी संडे को कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ये पब्लिक बीच जो दिख रही है वो दिख रही है। यही ट्रैक अगर मैं मंडे को
या कोई भी वीकडे पे करूँगा तो इतनी पब्लिक भी नहीं दिखेगी। और देखो फिर से ब्राइट हो गया। दोस्तों फाइनली मेरे बाल, दोस्तों थोड़ा बाल को इग्नोर करो यार, बहुत पसीना निकल रहा है, मैं थक गया हूँ। दोस्तों फाइनली मुझे मेरे काम का बोर्ड मिल गया। वहाँ से चलता चलता आ रहा था और यहाँ पे ये बोर्ड जिस पे वो तीन पॉइंट जो अपन ने कवर किए थे वो तो बता रहा है उधर, लेकिन यहाँ पे बता रहा है रेलवे स्टेशन है, और वो जो पब्लिक नीचे उतरी वो बता रही है कि यहाँ से 1 किलोमीटर ही है। लेकिन अब रेलवे स्टेशन जाने के पहले, मार्केट जाने के पहले हम यहाँ जाएंगे। यहाँ पे है रामबाग पॉइंट। रामबाग पॉइंट में एक बार अपने दोस्तों के साथ आया था और तभी हमने ये जो पूरा ट्रैक है ना जो अभी आपने देखा वो हमने रात के अंधेरे में किया था सनराइज़ के पहले, और हम यहाँ पे रामबाग पॉइंट पे आए थे सनराइज़ के टाइम पे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और रामबाग पॉइंट देखते हैं। इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा चला हूँ, ये पॉइंट वैसे अच्छा है, आगे देखते हैं। जैसे ही रामबाग पॉइंट शुरू हुआ, देखो फिर से रास्ते अच्छे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे बहुत सारे पॉइंट्स पे मैंने ये देखा जो पिछले साल ये सीन नहीं था। अभी आपको रास्ते पॉइंट्स के जैसे ही पॉइंट्स नज़दीक आते हैं ना तो वहाँ पे आपको रास्ते काफ़ी डिसेंट से मिलते हैं। तो अब थोड़ा स्पीड में चलते ताकि आपका भी टाइम थोड़ा ज़्यादा ना जाए, फिर वहाँ पे बैठ के मैं भले आराम करूँगा। ये रामबाग पॉइंट पे तो काफ़ी लोग हैं। हम जब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो हम सनराइज के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ से सनराइज भी बहुत खूबसूरत दिखता है। फिलहाल आप व्यू देख लो, बहुत सारा फॉग है इसलिए आपको शायद इतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। नीचे भी एक रास्ता है, अब जब यहाँ तक आपको लेके आया हूँ तो नीचे भी ले जाऊँगा, सब कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एक बार आपको ये पॉइंट दिखा दूं, यहाँ का सीनिक व्यू बता दूं, फिर मैं थोड़ा आराम करूँगा, पानी वानी पीऊँगा। चलो, खूबसूरत है, यहाँ से वैली व्यू दिखता है, अच्छा है। नहीं भाई, मेरे को लगता है यहाँ से कोई एक अलग ट्रैक है जो मेरे को वो नीचे ही ले जाता जाएगा। सॉरी, यहाँ से देख लो, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पूरा यहाँ पे वैली व्यू दिख रहा है, कुछ सिमिलर सा व्यू अपने को खंडाला पॉइंट पे, नहीं खंडाला पॉइंट पे थोड़ा सा अलग व्यू है लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर है। पूरा आपको वैली व्यू दिखता है। यहाँ पे हर पॉइंट पे ना व्यू एकदम अलग है। देखो हल्का सा फॉग फिर से हवा में आ रहा है और वहाँ पे भी अपने को दिख रहा है। बिग चौक पॉइंट से मैं जब निकला था तो यहाँ पे पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है और आगे कुछ है भी या नहीं है। आपको तो टाइटल में पता था कि रामबाग पॉइंट जा रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एग्जैक्टली कहाँ जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था। और फिर वो रास्ते में शमशान बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली आपको कुछ ऐसा दिखाया जो वर्थ वाइल था। आई होप आपको ये वीडियो और ये एफर्ट भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत मज़ा आया, अब मैं बहुत थक गया हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये सीरीज़ जो है जो बेलवेडर पॉइंट के ट्रैक से शुरू हुई, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ख़त्म होगी, शायद आगे कुछ पॉइंट्स और मिलेंगे, सब कवर करेंगे। अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहना। Till then, goodbye and really thank you so much for your time. ये effort तभी काम आएगा जब आप ये video देखोगे, ये effort तभी काम आएगा जब आपको ये videos पसंद आएंगे।
वरना ये वीडियोस किसी काम के नहीं हैं। एक बार वैली व्यू दिखा देता हूँ और उसी के साथ गुड बाय।